पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, पटना एयरपोर्ट से मुकेश सहनी गया के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि गया से उम्मीदवार हैं महागठबंधन के कुमार सर्वजीत, जिसके लिए चुनावी सभा करने के लिए मुकेश सहनी और तेजस्वी प्रसाद यादव एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी जब एयरपोर्ट से रवाना होते हैं तो साफ तौर पर अपने आगे के कदम के बारे में बताते हैं। साफ तौर पर मुकेश सहनी कहते हैं कि हम लोग समाजवाद के साथ हैं और लालू प्रसाद यादव, जो कि समाजवाद की विचारधारा हैं, उनके साथ हमेशा रहेंगे और साथ ही साथ 2024 नहीं 2025 का भी चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि मुकेश सहनी गया रवाना होने से पहले मौजूदा सरकार को घेरते हैं और कहते हैं कि ये सरकार सिर्फ जो है दावे करना जानती है और वादे करना चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी घेरा है और कहा है कि जो तस्वीर नवादा में देखने को मिली है वो सही नहीं है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिमागी तौर पर बुढ़ा चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, उनको चाहिए कि इस पद से इस्तीफा दे दें, इस पद को छोड़ दें ताकि बिहार का विकास हो सके। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने मौजूदा सरकार के ऊपर साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, आपको छोड़े जाते हैं उनके बयान के साथ? ये भी हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हमारे राज्य का मुख्यमंत्री है, इतना पुराना साल से काम कर रहे हैं और हम लोग हमेशा उनके नेतृत्व में हमने भी काम किया है और मुझे बहुत दुख हुआ कि मुख्यमंत्री इतना सीनियर नेता रहे हैं। एक समय ऐसा था, मैंने फोटो देखा है कि मुख्यमंत्री जी बैठे थे और राजनाथ जी बैठे थे और मोदी जी पीछे खड़े थे, तो ये एक समय था। लेकिन आज ऐसा समय हो गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनको पैर छू रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, हमारे पूरे बिहार के लिए अच्छा नहीं है, बिहारी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा कि ये सब चीज़ पर ध्यान रखिए। सिर्फ आप हमारे बिहार के धरोहर हैं, लंबे समय मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार का रिकॉर्ड आपके नाम पे है कि बिहार के सबसे आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय का कोई मुख्यमंत्री हो तो नीतीश कुमार जी हैं, तो हमारे बिहार का धरोहर है और इस तरीके से बिहार का इज्जत को नीलाम मत होने दीजिए। ये भी हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हमारे राज्य का मुख्यमंत्री है, इतना पुराना साल से काम कर रहे हैं और हम लोग हमेशा उनके नेतृत्व में हमने भी काम किया है और मुझे बहुत दुख हुआ कि मुख्यमंत्री इतना सीनियर नेता रहे हैं। एक समय ऐसा था, मैंने फोटो देखा है कि मुख्यमंत्री जी बैठे थे और राजनाथ जी बैठे थे और मोदी जी पीछे खड़े थे, तो ये एक समय था। लेकिन आज ऐसा समय हो गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनको पैर छू रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, हमारे पूरे बिहार के लिए अच्छा नहीं है, बिहारी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा कि ये सब चीज़ पर ध्यान रखिए। सिर्फ आप हमारे बिहार के धरोहर हैं, लंबे समय मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार का रिकॉर्ड आपके नाम पे है कि बिहार के सबसे आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय का कोई मुख्यमंत्री हो तो नीतीश कुमार जी हैं, तो हमारे बिहार का धरोहर है और इस तरीके से बिहार का इज्जत को नीलाम मत होने दीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।